ए भगवान, सुबह सुबह न जाने किसका कॉल आ गया। हेलो हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। आरती, हाँ बोलो। देखो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। मैं तुमसे वैलेंटाइन डे के दिन मिलूंगा, रक्षाबंधन के दिन नहीं। क्या? ठीक है, अब रखो फोन, मेरी बीवी आ रही है। अरे क्या हुआ, किसका फोन था? अरे वो तो रॉन्ग नंबर था, रॉन्ग नंबर। अच्छा रॉन्ग नंबर था, रॉन्ग नंबर को राइट नंबर करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए राखी लेते आना। मैं क्यों लेके आऊँ तुम्हारे भाई के लिए राखी? तुम खुद जाके लेके आओ ना। मैं अपने भाई के लिए राखी नहीं मंगवा रही हूँ, वो मेरी सहेली है ना। कौन? अच्छा वो आरती। ओ अरे वाह, तुम्हें तो नाम भी अच्छे से पता है उसका। हाँ हाँ, वही आरती आएगी उसने राखी बांधने के लिए। अरे तुमने आरती को क्यों बुलाया यहाँ पे राखी बांधने के लिए? हाँ तुम ही तो कहते थे कि आरती ना मेरी बहन जैसी है, बहन जैसी। तो वैसे भी उसका बेचारी का कोई भाई भी नहीं है, तो ना वो आज आएगी राखी बांधने के लिए तुम्हारे। क्या? हाँ इसीलिए ना मैंने ही बुलाया उसको अपने घर पर। तो लौटते वक्त ना मिठाई, लड्डू और राखी सब सामान लेते आना, वो भी जल्दी। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया मैं। चलो ठीक है, ले आऊंगा। अरे तुम आ गए? नहीं अभी मैं रास्ते में हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? मैं आ गया, अब हटो आगे से, मुझे अंदर जाने दो। अरे मेरी तो कोई बात नहीं सुनी और अंदर चले आए, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ये पूछ रही थी कि राखी लेकर आए क्या? मैं ऑफिस काम करने जाता हूँ, ऑफिस में बहुत सारा काम था इसलिए मैं भूल गया। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता था कि तुम्हें आज के दिन ऑफिस में बहुत सारा काम था। हाँ इसलिए मैं खुद बाजार से राखी लेकर आ गई हूँ। अब कौन आ गया? लगता है आरती आ गई। अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें सुबह तो बताया था कि आरती आने वाली है। जाती हूँ उसको लेने। आरती आओ आओ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी पता है? चलो जल्दी से अंदर आओ, मैं राखी लेकर आती हूँ। चलो चलो। ये लो आरती राखी, और फटाफट बांध दो इनके। लो लाइए, बांधती हूँ। भैया इधर। अरे क्यों, क्या हुआ, मुंह लटका के क्यों बैठे हो? जल्दी से आरती से राखी बंधवाओ ना। ओ भैया मेरी बहना। ए भगवान, मुझे जो सजा देना है वो दे दो, लेकिन ये सजा मत दो। ना पत्नी की मार से, ना जूतों की फटकार से, तुम्हारे जैसे लोग सुधरेंगे सिर्फ इस रक्षाबंधन के त्योहार से। आरती बांध इनके राखी। भैया